गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल आपको समझा रहा था, ये दुनिया वैसी है जैसा आपका दृष्टिकोण है। ये दुनिया अच्छी भी है और ये दुनिया बुरी भी है। जो अच्छाई के रास्ते पर चल गया उसको अच्छाई का लाभ, गुण का लाभ, शक्ति का लाभ मिलेगा, परंतु जो बुराई के रास्ते पर चल गया उसको शक्ति का ह्रास, गुण का नुकसान मिलेगा। एक बार जिधर को धारा निकल गई उधर को ही जीवन की गति हो जाएगी। जीवन ढलान को देखता है, सुख को देखता है। जिस तरफ उसको सुख मिलता है उसी तरफ उसकी बुराई, उसकी गति हो जाती है। संसार में बहुत बुराइयां हैं परंतु संसार में बहुत अच्छाइयां हैं। पानी को कोई कहे मैंने ही पिछले प्रवचन में आपसे कहा था, हवा खुद प्राणी के पास आती है और आकर के अपना गुण उसको देती है जिससे वो जिंदा रहता है। बादल बन करके पानी भी जीव मात्र के ऊपर अपनी बरसात करता है, उसी से ये जीवन के सृजन की प्रक्रिया चल रही है। परंतु पानी से अगर कोई ये कहे कि वो ढलान की तरफ ना जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है। पानी ढलान की तरफ जाता ही नहीं है पर जाने के लिए जोर भी मारता है। ऊपर उठने के लिए जोर नहीं मारता, ऊंचाई पर जाने के लिए जोर नहीं मारता। ऐसे ही जीवन का भी स्वभाव है। पानी को यदि ऊपर उठाना है तो यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, जीवन को यदि ऊंचा उठाना है तो मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो जीवन में कोई प्रतिकूलता ना होती और व्यक्ति की कोई परीक्षा नहीं होती। परंतु ये सारे गुण हमको आंतरिक प्रेरणा देते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो नहीं सकता। ये हमको विद्या सिखाते हैं, वो पाठ सिखाते हैं। प्रेरणा देते हैं। बाह्य जगत में जो बुराइयां और त्रुटियां हैं यदि उन्हें सुधारा और बदला ना जाए तो स्थिति को सोच करके देखिए क्या होगी। उसको सुधारने और बदलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जैसे अवतार धरती पर अवतरित होते हुए रहे हैं, जिन्होंने इस दुनिया के प्रवाह को मोड़ दिया।
इतनी शक्ति है उनके अंदर। आप सोच करके देखिए, सारी धरती पर फैले हुए कांटे बीने नहीं जा सकते, उन कांटों का प्रभाव आपके शरीर और पैरों पर पड़ेगा, वो चुभेंगे आपको। अगर उनसे बचना है तो जूता पहना जा सकता है, अब मैं ये कह रहा हूं जूता पहनने से कांटों का प्रभाव खत्म नहीं हो गया, परंतु जूता पहनने से आपका पैर सुरक्षित हो गया। अपना सुधार अपने दृष्टिकोण का परिमार्जन है। अपना परिमार्जन करना ही जूता पहनना है। कांटों से निश्चिंतता हो जाएगी। बाह्य जगत की बुराइयों को सुधारने के लिए भी अपने दृष्टिकोण को सुधारने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया को सुधार नहीं पाओगे। गर्म लोहे को ठंडे लोहे से छुआते हैं तो गर्म लोहे के गुण ठंडे लोहे में भी आ जाते हैं। जगह खाली है इसलिए आ जाते हैं, परंतु गर्म लोहे को गर्म लोहे के साथ चिपकाएं तो उतना ही असर कम आता है। अगर बराबर टेम्परेचर दोनों का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, घर के फर्श को साफ करने के लिए गंदे पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर कीचड़ को कीचड़ से साफ करोगे तो और फैल जाएगा, गंदे पानी से फर्श को साफ करोगे तो और गंदा हो जाएगा। फर्श को धोने के लिए भी साफ पानी का प्रयोग करना पड़ता है। तो बताइए, क्रोध को क्रोध से मारा जा सकता है? अगर हां तो करिए, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। शांति से क्रोध को परास्त किया जा सकता है। यदि हम स्वयं मलिन हैं, बुराइयों से सने हैं, तो दूसरों का सुधार कैसे कर सकते हैं? यदि हमारी आंतरिक उलझने अपना जाल फंसाए हुए हैं, जाल को बनाए हुए हैं आंतरिक उलझने, तो बाहर निकलने की गुत्थी बताइए कौन सी होगी? उस युक्ति को, उस जाल से बाहर हमको निकलना ही पड़ेगा। बैठ करके सोचना होगा किस प्रकार संभव है। इस संसार में अगणित कठिनाइयां हैं, उनको सुलझाया जाना नितांत आवश्यक है। उलझनों के बीच में कठिनाइयां हैं और कठिनाइयों के बीच कैसे चैन से रहा जाए समझ नहीं आता। इन पहेलियों को सुलझाने का
हम रास्ता भूल चुके हैं। परंतु ये ना भूलें कि परेशानी और उलझनों का कारण हमारे अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। इसलिए अगर हमें उन्हें सुलझाना है तो अपने अंदर से ही अपने आप को साफ करना पड़ेगा। समाधान भी आपके अंदर है, बस समझने की जरूरत है। समझ आ जाए तो समाधान भी होगा। अपने को सुधारना, अपने को बनाना, अपने को बदलना, अपने को बढ़ाना, ये उपाय हैं जिससे दुनिया सुधर सकती है। अपनी आकांक्षाओं की दुनिया साकार हो सकती है और उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकती है। जहां पूर्णता है वहीं पूर्णता होगी, जहां अभाव है वहां शोक, भय, दुख ये होंगे। एक कण भी शांति का नहीं मिलेगा। अगर पाना चाहते हैं तो पिछले इतिहास में जाना पड़ेगा। अपनी कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए पिछले इतिहास को खंगालना पड़ेगा। और एक ही बात समझ आती है, मैंने कल भी कहा था, जितने महापुरुष हुए हैं वो धनवान नहीं हुए हैं। बहुत ही सारे अभाव उनके सामने थे, परंतु उन्होंने अपनी परिस्थितियों का मुकाबला किया। महर्षि अरविंद ने सारे हथकंडे अपनाए देश की स्वतंत्रता के लिए, परंतु कुछ नहीं कर पाए। वो अंग्रेजी सरकार इतनी ताकतवर थी, इतनी क्रूर और निर्दयी थी कि जरा सी भी मांग करने वाले को कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। ये सब देख करके जब महर्षि अरविंद को समझ आया कि आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, अभियान को छोड़कर के पांडिचेरी चले गए और वहां पर जाकर के अपनी तपस्याएं की और तपस्या के बल पर हम सबको आजाद करने का मादा पैदा किया। ऐसी ऐसी आत्माएं धरती पर उतरी उनके प्रभाव से, उन्होंने जो वातावरण को गरम किया मंत्र के द्वारा, उससे अच्छी अच्छी आत्माएं धरती पर उतर करके आई। सहारा लिया गया था मंत्र का, मन का जो त्राण कर दे उसी को मंत्र कहते हैं। मंत्र का निर्माण अक्षर से होता है। अक्षर अकेला होता है, अक्षर का मतलब समझ लीजिए, ए माने नहीं, छर माने चरण। जिसकी शक्ति में कभी चरण ना होता हो, अर्थात जिसकी शक्ति कभी कमजोर ना पड़ती हो, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है,
परंतु जैसे ही अक्षर अक्षर के साथ जाकर के मिलता है तो उसमें शक्ति पैदा हो जाती है। ये जुड़ाव का कमाल है। प्रकृति परिवर्तनशील है, समय भी परिवर्तनशील है। समय एक जगह टिका है परंतु सबको साथ लेकर के चल रहा है। समय के कारण ही परिवर्तन है, उतना ही परिवर्तन है जितना आपने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। पैरों से चल करके आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, इससे कोई परिवर्तन नहीं है। आपका स्तर तो वो का वो ही है। समय के साथ आप चल रहे हैं, विचार धारा गंदी हो गई। मैंने भी कहा है, फर्श को भी धोना हो तो साफ पानी से धोना पड़ता है। अगर विचारधारा गंदी है तो लौकिक संसार में शरीर की यात्रा तो हो रही है, पर और गंदी हो रही है, जो हमारा सूक्ष्म है उसको और गंदा किया जा रहा है। भय, आशंका, दुख, कष्ट, रोग, कलह, बीमारियां जगेंगी। जहां गंदगी होगी वहां कीड़े पैदा होंगे ही होंगे। अगर आप उनसे निजात चाहते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध बुद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए मंत्र का सहारा आपको लेना होगा। जो मनन करता है वो ही मनस्वी है। इसी कारण इसको मनुष्य का दर्जा मिला है। शरीर से, मनुष्य का शरीर लेकर के कोई मनुष्य इंसान बन गया ये मत कह देना। और इंसान बनने के लिए व्यक्ति को मंत्र का सहारा लेना ही पड़ता है। जन्म जन्मांतरों के प्रभाव जो हमारी चेतना के अंदर छुपे रहते हैं, मंत्रों के प्रभाव से वो ताकत हमारे अंदर पैदा होती है कि हम ऊपर उठ सकें। इतने जिनका जीवन का प्रवाह जिस दिशा में चल रहा है, भूमि में भी कटान पैदा हो चुका है। उसको बंद करना, ऊंचा उठाना, पानी का रास्ता अपने आप बदल जाएगा। जितना ऊंचा उठोगे पानी का रास्ता अपना आप बदल जाएगा, क्योंकि वो तो ढलान की तरफ जाता है। अगर आपको ऐसा करना है तो करने के लिए मंत्र का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तभी आप अपना उद्धार कर सकते हैं। आज का क्योंकि समय हो चुका है, ध्यान की प्रक्रिया की तरफ चलेंगे और यहीं से मंत्र से ही कल आपको समझाना शुरू करेंगे। उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता,
गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्मवर्चस्व सविता। सविता उपास्य ब्रह्मवर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक भक्त भगवान एक। एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश। मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन। मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण।
द्वितीय चरण पूर्व गमन पूर्धगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्धगमन आत्मसत्ता का ऊर्धगमन कुंडलिनी का ऊर्धगमन मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्धगमन मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक सहस्रार ब्रह्मलोक मेरुदंड देवयान कुंडलिनी आत्मशक्ति जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण तृतीय चरण बेधन शोधन जागरण सविता सहयोग से षटचक्रों का बेधन मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का बेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण
विशुद्ध चक्र जागरण। अज्ञा चक्र जागरण। सरचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योग अग्नि का विस्तार। मूल आधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में। ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, शुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगादि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचों का पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचों का। दोनों हाथ मलें।
मुखमंडल पर फिराएं, धीरे धीरे आंखें खोलें, आज की बात संपन्न हो।